नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो 17 जून से नेदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच एक शानदार सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस सीरीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज में कितने मैचेस खेले जाएंगे, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज पर खेले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस सीरीज के लिए दोनों टीमों का क्या स्क्वाड रहने वाला है, वहीं पर आप इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो दोस्तों, इस एक वीडियो में आपको नेदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस सीरीज के बारे में सभी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, इस समय इंग्लैंड की ओडीआई टीम नेदरलैंड्स के दौरे पर है, जहां पर इस दौरे पर इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक वनडे सीरीज खेली जाएगी और इस दौरे पर कोई भी T20 मैच नहीं खेला जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें इस वनडे सीरीज के शेड्यूल की, तो जो पहला वनडे मैच है वो खेला जाएगा 17 जून को। इसके अलावा दूसरा वनडे मैच होगा 19 जून को। वहीं पर सीरीज और दौरे का आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा 22 जून को। बात कर लें अगर इन सभी वनडे मैचेस के वेन्यूज की, तो ये तीनों वनडे मैचेस एक ही मैदान पर खेले जाएंगे और उस मैदान का नाम है VRA क्रिकेट ग्राउंड एम्स्टलवीन। इसके अलावा अगर हम टाइमिंग की बात कर लें, तो ये तीनों ही वनडे मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2:30 बजे से स्टार्ट होंगे। और अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंग्लैंड के ओडीआई स्क्वाड की बात कर लें, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के लिए 14 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां पर दोस्तों पहली बार ल्यूक वुड को ओडीआई सेटअप में शामिल किया गया है। इसके अलावा सैम करन की 6 महीने बाद ओडीआई टीम में वापसी हो रही है। तो आपको इंग्लैंड का ओडीआई स्क्वाड इस प्रकार का नजर आएगा। कप्तान के रूप में नजर आएंगे ऑयन मॉर्गन, इसके अलावा होंगे मोइन अली, जॉस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम करन, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, डेविड पेन, आदिल रशीद, जेसन रॉय, फिल सॉल्ट, रीस टॉपली, डेविड विली और ल्यूक वुड। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस वनडे सीरीज के लिए नेदरलैंड्स के ओडीआई स्क्वाड के बारे में। तो नेदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड ने इस वनडे सीरीज के लिए 18 मेंबर का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां पर दोस्तों आपको ओडीआई टीम में एक्सपीरियंस बल्लेबाज टॉम कूपर की 6 साल बाद वापसी होते हुए नजर आ रही है, जिन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच नेदरलैंड्स के लिए 2016 में खेला था। तो आपको नेदरलैंड्स का ओडीआई स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में नजर आएंगे पीटर सिलार, इसके अलावा विकेट कीपर होंगे स्कॉट एडवर्ड्स, मूसा अहमद, शरीज अहमद, लोगान वान बीक, फिलिप बोसवैन, टॉम कूपर, आर्यन दत्त, क्लेटन फ्लॉयड, विवियन किंगमा, फ्रेड क्लासन, रियान क्लेन, बैस डीलीडी, तेजा निदा मनुरू, मैक्स ओडाउड, टिम प्रिंगल, विक्रमजीत सिंह और शेन स्नेटर। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडिया की बात कर ले, तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इस ओडीआई सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी भी स्पोर्ट्स चैनल के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इंडिया में इस ओडीआई सीरीज के मैचेस का लाइव टेलीकास्ट देखना है, तो आपको प्ले स्टोर से फैन कोड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि फैन कोड एप्लीकेशन के पास ही इस ओडीआई सीरीज के लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मौजूद है, जहां पर आपको सबसे पहले इस ओडीआई सीरीज का टूर पास परचेस करना होगा, तभी दोस्तों आप इस सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट एंजॉय कर पाओगे। वही अगर हम बात कर ले यूके की, तो वहां पे इस ओडीआई सीरीज का लाइव टेलीकास्ट स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और स्काई स्पोर्ट्स मेन इवेंट चैनल पर किया जाएगा। इसके अलावा नेदरलैंड्स में आप इस सीरीज के मैचेस का लाइव टेलीकास्ट वियो प्ले ऐप की मदद से देख पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये रही नेदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच होने वाली ओडीआई सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम ओडीआई सीरीज जीतने वाली है। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।